हेलो बच्चों, तो पीरियडिक लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन का ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले के 4 लेक्चर्स में हम लोग क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी बातें कर चुके हैं, ठीक है। जैसे इनिशियल लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन के कुछ अटेम्प्ट्स बताए थे, है ना, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने किए थे, लाइक डोब्रिनर के ट्रायड्स हमने पढ़े थे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमने पढ़े थे। इसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मेंडलीफ लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल या मेंडलीफ लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। उसको उसके बेसिस पर मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल हमको बना के दिया था, किस तरह बना के दिया था, ये बातें भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, विच इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, है ना। हमने देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीफ ने एटॉमिक मासेस की बात की थी, मोजले ने उसको एटॉमिक मास बदल के एटॉमिक नंबर का कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने आपको बताया था, और उनके बेसिस पर ये रिजल्ट निकला कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, ठीक है। इसके साथ साथ एक खास बात हमने देखी, वो खास बात क्या थी कि मोजले ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी उसमें उसने पीरियोडिसिटी वर्ड का यूज किया और उस पीरियोडिसिटी का उन्होंने रीजन भी बताया, है ना। मैंने आपको बताया था कि हमने देखा था कि एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम थे, या आप ऐसा कह सकते हो कि उन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम थे, ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ। अब आज की क्लास में हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, पहले तो कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे किस तरह के, कि आपको मैं बताऊं तो अगर किसी एलिमेंट का, मतलब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह है कि अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप उस एलिमेंट का पीरियड नंबर बता सकते हैं, उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर बता सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे, आसानी से समझ में आ जाएंगे। वहीं अगर आपको किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर दिया हो, पीरियड नंबर दिया हो, तो आप ये पहचान सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है और कौन से ग्रुप या पीरियड से बिलोंग करता है। दिया हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, सॉरी, अगर आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर दिया हो तो, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर लिखना सीखेंगे। खैर, अगर आप एक चीज सीख जाते हैं तो दूसरी चीज अपने आप से आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आई। आपको यह भी याद होना चाहिए लेक्चर में आगे बढ़ते टाइम कि एक एलिमेंट के या एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, यही पीरियोडिसिटी का रीजन था, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ढंग से देखा है, ठीक है। तो अभी कुछ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं, है ना। मुझसे कहा गया कि कोई एलिमेंट है एक्स, है ना, बड़े इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बड़े काम के भी है। कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है सर, हमसे कह दिया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 5, 7, ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ठीक है। हमसे पूछा कि इसका ग्रुप नंबर बताएं, अच्छा, साथ में उससे पूछा गया क्या कि इसका पीरियड नंबर बताएं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के मुझसे पूछ लिया कि इसका ग्रुप नंबर बताओ और इसका पीरियड नंबर बताओ। हमने कहा करते हैं कोशिश, अच्छा इसको करते हैं सवाल को, उससे पहले कुछ बातें। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। 18 ग्रुप थे, आपको पूरे 18 याद नहीं करने, बट आपको 8 ग्रुप याद करने पड़ेंगे, विच इज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13 to 18, ठीक है। सबकी ट्रिक्स होती है, है ना, जैसे इसकी है ली ना की रब से फरियाद, है ना, बताइए मैंने पहले भी है ली ना की रब से फरिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कहा इसका 1, इसका 3, इसका 2, 8, 1, इसका 2, 1, एटॉमिक नंबर 3 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 18, 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 18, 32, 1, है ना। मैंने आपको ये चीज भी सिखाई थी कि मैंने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नंबर्स के हिसाब से बताए हैं, जिनको हम मैजिक नंबर कहते हैं, है ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस तरह से।
इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर। आपको ध्यान आ रहा होगा बोर एंड ब्यूरी स्कीम आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, तो बोर एंड ब्यूरी स्कीम में इस तरह के नंबर्स बताए गए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए इस तरह से शेल्स को भरा जाता है। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब ये भर जाते हैं तो फिर अगला शेल काम में आता है, उसमें आठ आते हैं, फिर ये भी भर जाता है तो थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड सो ऑन। ठीक है, इनको कहते हैं मैजिक नंबर्स। क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स। बोर एंड ब्यूरी स्कीम के बेसिस पर ये दिए गए थे। चलो यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आया सर। अब समझना मेरी बात, हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। लिथियम में एक, सोडियम में एक, पोटेशियम में एक, रुबिडियम में एक, इन सब में एक एक है, तो इनका ग्रुप नंबर भी क्या है? वन। इनका ग्रुप नंबर भी क्या है? वन। ये चीज आप जानते हैं, है ना। साथ में मैं शेल देखूं तो इसमें एक शेल है, इसमें दो शेल है, इसमें तीन, इसमें चार, इसमें पांच, इसमें छह, इसमें सात। अच्छा मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन का पीरियड नंबर क्या है, तो आप कहेंगे वन। लिथियम का पीरियड नंबर क्या है, आप कहेंगे टू। सोडियम का पीरियड नंबर क्या है, थ्री। अरे हॉरिजॉन्टल रोस को ही तो पीरियड कह रहे थे। तो इन सबका ग्रुप तो वन है, बट इनके पीरियड नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। जरा कुछ रिलेशन नजर आ रहा है, बिल्कुल लास्ट लेक्चर में बताया था कि जितने इसमें शेयर है वही इसका पीरियड नंबर है। एक्चुअली में ऐसा ही होता है, किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ शेयर इक्वल होते हैं किसके? पीरियड नंबर के। यहां देखो जरा, यहां देखो इसमें कितने शेयर है, एक दो तीन, तीन शेल्स हैं, एक दो तीन। ठीक है, तो सोचना ही नहीं है इसका पीरियड नंबर, जल्दी से क्या मार देना है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है ये एलिमेंट? थर्ड पीरियड से। अच्छा सर, पीरियड नंबर तो हम निकाल लेंगे, कैसे? जितने नंबर ऑफ शेल उतना पीरियड नंबर। ठीक है, अब ग्रुप नंबर कैसे निकाले, तो समझना, एक फॉर्मूला देखूंगा कि अगर किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, अगर किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन और टू, तो वन होने पर यहां पर एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये इसका ग्रुप नंबर। तो ध्यान से समझना, अगर किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो उसका ग्रुप नंबर कितना होगा? वन। अगर किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है तो उसका ग्रुप नंबर कितना होगा? दो। अगर किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन है तो उसका ग्रुप नंबर होगा 13। हाँ, आपको आपको किन से मतलब है? आपको फर्स्ट ग्रुप, आपको सेकंड ग्रुप और 13 से लेके 18, इन ग्रुप से मतलब है, समझ रहे मेरी बात? तो आपको बीच के 10 ग्रुप नहीं पढ़ने होते, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको उनकी बात आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती, जिनको हम बीच में 10 ग्रुप छोड़ रहे थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, उनकी बातें आपको नहीं करनी, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन, ग्रुप नंबर कितना? 13। अब 10 प्लस करना शुरू कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार तो ग्रुप नंबर 14, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो ग्रुप नंबर 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो ग्रुप नंबर 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 तो ग्रुप नंबर 17 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 तो ग्रुप नंबर 18। इसमें एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा, हीलियम। हीलियम में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बट इट बिलोंग्स फ्रॉम द 18th ग्रुप, है ना, आपको पता है इसका रीजन भी एक्सेप्शन का, क्योंकि इसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ना, तो ग्रुप नंबर 18 यानी कि नोबेल गैसेस के साथ रखा जाता है इसको। ठीक है सर, यहां तक समझ में आया, समझो। पीरियड नंबर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेल देख के। ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के। जरा देखो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। सोचना ही नहीं है, 7 मतलब 17 ग्रुप नंबर हो जाएगा इसका, तो ग्रुप नंबर कितना मार के आएंगे? 17। क्या ये बहुत आसान था? हाँ सर, बहुत आसान था। ठीक है, जैसे कोई एलिमेंट है भाई, मैंने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1, पीरियड नंबर कितना होगा? सर इसमें नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 3 बाय फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? टेंशन ही नहीं लेनी, 3। मुझसे पूछे इसका ग्रुप नंबर, तो टेबल याद कर लो, और याद भी क्या करना, याद हो गई होगी, फर्स्ट और सेकंड के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फिर बाद में 10 प्लस करते जाना है, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा इसका? इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के ग्रुप नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेल्स देख के पीरियड नंबर। क्या ये बहुत आसान है? हां सर, लग तो रहा है। जैसे मुझसे पूछ ले कि एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने कहा बताते हैं इसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर, इसका पीरियड नंबर कितना? 4। बहुत आसान है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू पीरियड नंबर। और इसका ग्रुप नंबर कितना है? सर इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले कोई एलिमेंट है बी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 6, इस तरह से दे दिया, तो इसका पीरियड नंबर बोलो जरा 2, है ना, और इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? सर इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 6 प्लस 10, 2 से ज्यादा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस कर दो कितना हो गया? 16।
तो इस तरह से आप ग्रुप नंबर देख के आराम से बहुत इजी वे में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप बहुत इजी वे में क्या बता सकते हैं, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। ठीक है सर, यहां तक समझ में आई। अच्छा आप उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब सर समझ में आया, समझाते हैं। मतलब कई बार क्या करेगा, आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर देगा, आपसे पूछ लेगा एलिमेंट कौन सा है। हाँ, आपसे पूछ लेगा एलिमेंट कौन सा है, या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसको भी करके देख लेंगे। अच्छा, इन्होंने आपसे एक सवाल पूछा कि एक एलिमेंट है x, ये एलिमेंट x इसका पीरियड नंबर तो 3 है ना, पीरियड नंबर 3 है, और इसका ग्रुप नंबर आपसे कह दिया 2 है। ग्रुप नंबर कितना है इसका, 2, या अभी 1 ले लेते हैं, है ना, फिर 2 के 2 पे भी आएंगे। पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर 2, ठीक है सर कर लेते हैं। मुझसे पूछा कि ये x एलिमेंट है कौन सा, तो मैंने कहा चलो बताते हैं, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अच्छा बताओ, पीरियड नंबर इसका 3 है, दैट मींस इसमें 3 शेल होंगे, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, 3rd, है ना। अरे भाई पीरियड नंबर 3 मतलब टोटल नंबर ऑफ शेल, देखो ना, पीरियड नंबर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ शेल, पीरियड नंबर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ शेल कितने होंगे, 3, यानी कि इसका जो सबसे बाहर वाला शेल होगा वो कौन सा होगा, 3rd शेल, यानी कि इसके अंदर के 2 शेल कंप्लीटली फिल्ड होंगे, तभी तो 3rd शेल की जरूरत पड़ी ना हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए लिखना। अरे भाई अंदर के ऑर्बिटल्स भरे पड़े, अंदर के शेल्स भरे पड़े, तभी तो 3rd पे पहुंचे। यानी कि इस x में जो भी है, इस x के बारे में, इसमें अंदर के 2 शेल्स तो फुली फिल्ड है, तभी तो 3rd पे पहुंचे, 3rd इसका वैलेंस शेल है। अच्छा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डिसाइड करता है ग्रुप नंबर, इसका ग्रुप नंबर कितना है, 1, और जब ग्रुप नंबर 1 होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, तो 2, 8, 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, आप पहुंचे 2+8+1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 11, क्योंकि एटम की बात कर रहा है तो न्यूट्रल होता है, तो एक्चुअली में ये एलिमेंट कौन सा, 11 नंबर किसमें होता है, सोडियम। बता सकते हैं आप लोग इसकी पोजीशन, बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में आराम से, है ना, शायद यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं इसके। आपसे पूछा कि कोई एलिमेंट है, आपसे पूछा कोई एलिमेंट है, आपसे कहा कि इस एलिमेंट का पीरियड नंबर तो 3 है, अगेन 3 ले लिया मैंने, और इसका ग्रुप नंबर 2 है, है ना। अब करते हैं सवाल, हमने कहा ठीक कर लेंगे। अच्छा पीरियड नंबर 3 है मतलब इसमें 2 शेल भरे होंगे, यानी कि 2, 8, सही। ग्रुप नंबर इसका 2 है मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2, यानी कि 2। बात समझ में आई, 2, 8, 2, यही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया तो एलिमेंट भी पता लग जाएगा, 8, 10, 12, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 12, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 12, क्योंकि न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात मेरी, किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है ओके सर। यहां तक समझ में आया, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर देख के एलिमेंट, और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ग्रुप नंबर पीरियड नंबर आपको निकालना आना चाहिए। अच्छा फर्दर इसमें अच्छे सवाल भी करेंगे, रुको इसमें अच्छे सवाल भी करेंगे। एक दो क्वेश्चन हो इसी तरह के, मैंने कहा कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, ठीक, आपसे कहा कि दिस एटम बिलोंग टू पीरियड नंबर 2 एंड द ग्रुप नंबर गिवन है इसका आपको, ग्रुप नंबर गिवन है इसका आपको 15। आपसे पूछा कौन सा एलिमेंट है ना, हमें बताते हैं, पीरियड नंबर है इसका 2 मतलब इसमें 2 शेल होंगे, मतलब इसमें 1 शेल फुल्ली फिल्ड होगा, एक अंदर होगा इसके शेल और वो शेल कैसा होगा, फुल्ली फिल्ड, यानी कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। मैं क्या लिखना चाह रहा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे भाई पीरियड नंबर 2 मतलब 2 शेल, मतलब अंदर वाला शेल फिल है, अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, क्योंकि फर्स्ट शेल है अंदर वाला शेल। अब सेकंड जो शेल है, 2 पीरियड है तो 2 शेल, सेकंड जो शेल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर देख के, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है कैसे पता लगेगा, ग्रुप नंबर देख के, इसका ग्रुप नंबर है 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 5, तो 2, 5, किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये नाइट्रोजन का, यानी कि एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। क्लियर है, मेनली आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है आपसे, एटम्स बहुत कम है, एलिमेंट्स बहुत कम है आपसे पूछा जाए, ठीक है। इसी सवाल को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, समझना, इसी सवाल को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमसे कहा कोई आयन है, अब ध्यान से सुनना, कोई आयन है x माइनस, इस तरह का कोई आयन है x माइनस,
ठीक है, हमसे कहा कि इस आयन का जो एटम है, इस आयन का जो एटम है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है और उसका पीरियड नंबर भी 2 है, इस तरह से बोल दिया है ना, या ग्रुप नंबर 17 में आता है, ठीक है, और उसका पीरियड नंबर कितना है 2, ऐसा बोला मुझसे, एक्स माइनस बनाया मैंने, ग्रुप नंबर 17 में आता है उसका पीरियड नंबर 2 है, ठीक है, इसका जो एटम है, इसकी बात नहीं कर रहा, इसका जो एटम है वो पूछ रहा है x माइनस में टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x माइनस, आपसे ऐसा पूछा है ना, और ये जिस जो जो एलिमेंट है ना जिससे ये आयन बना है उसका ग्रुप नंबर इतना है, पीरियड नंबर इतना है, पहले समझना सवाल को क्या कह रहे हैं, समझो मान लो कोई एलिमेंट है x, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बनाया x माइनस, अभी जो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर दिए गए ना x के दिए हैं, x माइनस के नहीं दिए, अरे आयंस को थोड़ी ना रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में, समझ लो मेरी बात को, किसको रखा है इन्होंने, x को, ठीक है, तो x का ग्रुप नंबर ये है, ग्रुप नंबर कितना है इसका 17, पीरियड नंबर 2, सबसे पहले पीरियड नंबर चेक करो 2 है तो मतलब उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि फर्स्ट शेल 2 शेल होंगे, यानी कि फर्स्ट शेल फुल्ली फिल्ड होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरो, सर 7, सर इसका ग्रुप नंबर 17 है मतलब इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने भर दिया, तो x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ 2.7, x में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 9, मैं लिखता हूं यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन x, अब ये तो x की बात हुई, मुझसे पूछा है x माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, x माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो 9 + 1 = 10, कुछ कुछ बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी, ये थोड़े ज्यादा कंसेप्चुअल सवाल है, ठीक है, हालांकि ये भी कर देंगे एक बार समझ में आए तो हलवा है ना, एक सवाल और करते हैं इसी टाइप का, एक सवाल और करते हैं इसी टाइप का, जरा देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है A+ बनाता है, अच्छा लगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके A+ बनाता है, ये इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर दिया कितना 1, ठीक है, और इस एलिमेंट का पीरियड नंबर दिया कितना 3, आपसे पूछा कि इस एलिमेंट में मतलब A+ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन A+, हमने कहा कोशिश कर लेते हैं भाई, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं है ना, कोशिश करके देख लेते हैं, ठीक है, अच्छा ग्रुप नंबर कितना है इसका 1, पीरियड नंबर कितना 3, तो सबसे पहले किसको चेक करोगे, पीरियड नंबर को, पीरियड नंबर इसका कितना है 3 है, 3 पीरियड नंबर है, दैट मींस तो सर इसमें नंबर ऑफ शेल कितने हैं, सबसे पहले तो हमको शेल देखना है, नंबर ऑफ शेल कितने हैं इसमें 3, यानी कि इसके अंदर 2 शेल भरे हुए होंगे, फुल्ली फिल्ड होंगे, अरे हाँ है ना, अरे भाई फुल्ली फिल्ड होंगे ना 2 शेल, थर्ड वैलेंस शेल है इसका, हाँ सर सही कह रहे हो, तो अच्छा 2 शेल फुल्ली फिल्ड है, मैं बात कर रहा हूं ए की, ए का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर नहीं आए, अब मैंने कहा नंबर ऑफ शेल कितने हैं 3, तो सर इसका मतलब ये है कि इसमें 2 शेल भरे होंगे, यानी कि 2.8 तो होगा ही होगा, थर्ड शेल इसका वैलेंस शेल होगा, अच्छा अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन सर 1, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर कितना है इसका 1, नहीं आ रही बात सर, अरे पीरियड नंबर से क्या निकालना है, पीरियड नंबर से निकालना है सर शेल, ठीक है, ग्रुप नंबर से क्या निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, निकाल दिया 2.8.1, ये तो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, टोटल नंबर ऑफ शेल 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, निकाल दिया, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा इस बार, आपसे पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन A+, इन्होंने थोड़ा सा घुमाया सवाल को, घुमाया क्या थोड़ा सा बढ़ाया, इन्होंने कहा कि हमें A में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमें A+ में चाहिए, ये किस में निकाला है आपने A में, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है A का, A में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन A, बता सकते हो आप मुझे सर, बिल्कुल बता सकते हैं 11, तो A+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, A+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 11 - 1 = 10, इस तरह से आप A+ के अंदर इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ग्रुप वाइज पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, क्लियर हुई बात मेरी है ना, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर आप लिखेंगे है ना कमेंट सेक्शन में,
और जिसको नहीं आया वो वापस पूछ लेगा मेरे से कि सर एक बार बता दें वापस से, है ना, तो हम वापस एक्सप्लेन कर देंगे। चलो देखें यहाँ पे क्वेश्चन है कोई एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट लेने, ऐसे ले लेते हैं सी कोई एलिमेंट है ना, ए और बी और एक्स और वाई बोलते रहोगे इनको, तो सी कोई एलिमेंट है। हमने कहा कि ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनाता है, सी टू प्लस बनाता है, ठीक है। फर्दर क्या इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो सी है ये बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर है इसका 2, है ना, और इसका पीरियड नंबर जो है वो है 4। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सी टू प्लस। कोशिश करेंगे इस सवाल को करने की और इसका आंसर लिख के बताएंगे मुझे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सी टू प्लस। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किस तरह से आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता सकते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक रेडियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की थोड़ी बहुत बात करेंगे क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर्स में समझ में आएगा, ठीक है। तब तक आप इन नोट्स को रिवाइज करें, जल्दी जल्दी इसके आगे का लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।